नमस्कार, मार्केट टाइम टीवी में आप सभी का स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं अलवर की कृषि उपज मंडी में, जहां हम आज मंडी में चने की आवक के बारे में जानकारी करने के लिए मंडी के व्यापारी सूरज गुप्ता जी के पास पहुंचे हैं। उनसे हम जानेंगे कि मंडी के अंदर जो चने की आवक कितनी हो रही है और क्या भाव है। सबसे पहले तो सूरज जी, आपका मार्केट टाइम टीवी में स्वागत है। इस समय मंडी के अंदर चने की कितनी आवक है और क्या भाव है? या चने की आवक तो लगभग मिल सी समझो 100-200 कट्टे ही आ रहे हैं। चने की आवक इस टाइम काफी कमजोर है, कम आ रही है। क्या कारण है मानते हैं आप? कारण एक तो सावे हैं, ऊपर से जो तेजी आई है इस कारण से किसानों ने भी अपना माल रोका हुआ है। तो किस कारण से रोक दिए किसानों ने माल? तेजी लगती है सबको, उत्पादन काफी कम है इस साल चने का। तो आज क्या भाव है चने के? बाजार आज किसानी माल 6150 रुपये बोली पर बिका है। और आवक कितनी रही है आज? आवक 200 कट्टे के लगभग आवक आ रही है इस टाइम चने की, काफी कम आवक है। पहले जब मंडी के अंदर जब शुरुआत हुई थी चने की, तो पहले कितनी मंडी में चने की आवक हो रही थी और क्या भाव हुआ करते थे पहले? जब चने चालू हुए थे तब तो 3 से 4 हजार बैग पर डे आ रहे थे, 15-20 दिन तक तो आए, उसके बाद काफी कम होने लग गई आवक, कम होने लग गई। सबको तेजी लग रही है चने में, इसलिए आवक कम हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये फर्क ये भी देखने को मिल रहा है कि कहीं पैदावार भी कम हो रही है चने की। बिल्कुल, पैदावार तो काफी कम है, 30% से 40% के लगभग पैदावार कम है इस साल। अभी जो चना आपके पास में मंडी के अंदर आ रहा है कि कौन कौन से क्षेत्र से आ रहा है? सर देखो, चने तो अब जो आ रहे हैं वो तो लगभग लोकल ही चने आ रहे हैं, किसानी आसपास की गाँव के ही आ रहे हैं। पहले काफी बाहर से आ रहे थे, राजस्थान की सभी मंडियों से आ रहे थे लगभग, सब स्टॉक में जा रहे थे पहले तो। अब प्रेसिंग में जा रहे हैं चने, जितने भी आते हैं सब मीलर्स ले रहे हैं। तो क्या मंडी के अंदर भी स्टॉक हो रहा है क्या चने का, या मीलर भी स्टॉक कर रहे हैं? सर देखो, पहले तो स्टॉकिस्ट भी थे, मीलर्स भी थे, लेकिन अब किसानी जो माल आ रहा है सब मीलर्स ले रहे हैं, अब कोई स्टॉकिस्ट नहीं। तो अब मतलब मंडी में नहीं आ पा रहा? नहीं, काफी कम आ रहा है ना माल, तो सब मीलर्स के लिए ही आ रहा है बस। अब ये जितना भी आ रहा है 100-200 कट्टे मीलर्स को ही दिखता है। अच्छा, बड़ी क्वांटिटी में तो आ नहीं रहा इस बार। तो अब की बार अगर अपन पिछले साल की तुलना से अब की बार अब तुलना करें, तो पिछले साल क्या अराइवल थी और अब की बार क्या अराइवल है चने की पिछले साल से? देखो, पिछले साल तो चने पूरी साल लगभग आए थे, लेकिन क्वालिटी काफी डैमेज थी पिछली बार, इसलिए चने में ज्यादा कारोबार नहीं हो पाया। इस बार क्वालिटी अच्छी है, प्लस आवक नहीं है बिल्कुल भी, उत्पादन बहुत ही कम है, 40% के लगभग कम बताते हैं। तो अगर MSP की बात करें तो MSP पे भी चना बिका है क्या? MSP से ऊपर तो मंडियों में ही रहा है, तो किसान MSP पे तो गए ही नहीं इस बार, इसलिए सारा माल मंडियों में ही आया है। तो अभी जैसे कि अब अपन बात करें तो किसानों को क्या है कि अभी भाव नहीं मिल पा रहा चने का, मतलब किसानों के लिए तो अच्छे भाव है, इससे अच्छे तो मेरे ख्याल से 2-4 साल 5 साल तक तो भाव रहे ही नहीं है। लेकिन ये भाव अच्छे हैं और मैं तो चाहता हूँ और इंक्रीज हो, तो किसानों को आगे भी प्रोडक्शन करने में दिक्कत नहीं आएगी, काफी अच्छी बिजाई होगी। तो अभी अगर अपन जैसे बात करते हैं कि भाई अच्छी जो पैदावार है मंडी के अंदर, जो चना लेकर किसान आता है, तो एक अच्छी क्वालिटी का चना आ रहा है या क्या? नहीं, क्वालिटी इस बार बड़ी अच्छी आ रही है, क्वालिटी में कहीं कोई वो नहीं है कंप्लेंट, क्वालिटी बहुत अच्छी है इस बार। तो कहीं ना कहीं जैसे मान लो चने में जैसे पैदावार कम होने के चलते आवक भी कम है, और जो भाव की अगर अपन बात करें तो भाव भी आज 6150 रुपए है, तो कहीं ना कहीं जैसे जो चने की जो दाल है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं कोई फर्क पड़ेगा, कोई नजर आएगा? देखो भैया, दालों में तो ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ये 10-15 रुपए किलो ऊपर नीचे बिकती रहती है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये भाव टिके रहते हैं तो किसान आगे की फसल अच्छी बोएगा, इससे आगे दलहन की फसल अच्छी होगी। कम भाव में दलहन की पैदावार कम करते हैं किसान, अच्छे भाव रहेंगे तो आगे पैदावार अच्छी करेंगे। तो अभी कौन कौन सी मीलों में यहाँ का चना जा रहा है? यहाँ पे तो 3-4 मील हैं जिन पे चने जाते हैं, और सबसे ज्यादा JP इंडस्ट्री जाते हैं और नितिन भैया लेते हैं, और SK इंडस्ट्रीज पे जाते हैं नितिन भैया के पास, और एक शारदा उद्योग है उनके यहाँ जाते हैं। तो मतलब कुल मिला के ये है कि अभी मंडी के अंदर आवक कम हो चुकी है? आवक ना के बराबर ये 100-200 कट्टे से तो कुछ होता नहीं है, जब तक 2-3 मोटर नहीं आए तो मीलर्स भी प्रोडक्शन के लिए चाहिए चने। तो हमारे साथ में यहाँ मंडी के व्यापारी सूरज गुप्ता जी मौजूद थे, उन्होंने हमको चने के बारे में पूरे विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने हमको बताया
कि जब मंडी के अंदर जब चढ़े की शुरुआत हुई थी, जब मंडी के अंदर अराइवल कम से कम 3 से 4 हजार कट्टे की आवक थी और भाव भी जो है ठीक ठाक मिल रहे थे, लेकिन अब क्योंकि पैदावार चने की कम है और जो भाव है वो ज्यादा है, आज भी भाव जो 6150 रुपये मंडी के अंदर चने की है, लेकिन आज जो है आवक कम है, मात्र 200 कट्टे ही आज मंडी के अंदर चने आए हैं। नितिन शर्मा, अलवर।